बीच में एक रागनी नहल दे सुल्तान के किस्से से, जिस वक्त वो नर सुल्तान बचपन से ही शरारती था, तीर अंदाजी का शौक था उसको, पनिहारियों की बचपन से मटकी फोड़ता आ रहा था, जवान अवस्था में था, शिकायत लेकर के शहर के लोग राजा मैनपाल के यहां पेश होते हैं और कैसे नर सुल्तान की शिकायत करते हैं। आ, 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 तपदान करे ते यज्ञ हवन तपदान करे ते मिल दर्जा राजा ने और पूत प्यारी होया करे से राजा ने हवन लोग राजा मैनपाल से कहते हैं कि जो राजा होता है ना उसका जो दर्जा होता है वो एक पिता के समान होता है और पिता की नजर में जो उसकी प्रजा है वो उसके संतान की तरह होती है और जो आपका लड़का है उसने शहर के अंदर हद आफत उतार रखी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। के बता रहा है जी दिन पश्चिम ने पहला नंबर पर Yeah.
किस्म की हद या फत तारी सुल्तान ने कहे सुने की मनी कौन मारी सुल्तान ने या तीर मार के छोड़ दी जारी सुल्तान ने प्रजा का दुख सुने बिना प्रजा का दुख सुने बिना के यो ते सर जा राजा ने ओ भूत के प्यारी होया करे राजा ने यज्ञ हवन तप दान करित मिल धन्यवाद करते चौथे नंबर पे राय जी दिनपत सिंह ने क्या लिखा कह धनपत संग सुल्तान होलिया सैर से क्यों करे बदला करम काट दे यो ते कर जाए राजा ने भूत
रे